अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी के लिए मैं पहले आपको ये काटने वाली चीज़ें बता देती हूँ। तो एक ये बड़ा आलू लिया है मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया है, तीन प्याज हैं ये और चार हरी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को काट लेती हूँ। देखिए ये सब चीज़ें मैंने काट ली हैं, अदरक को बारीक बारीक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया सब काट लिया है और आलू मैंने छील लिया है। आलू को मैं मोटी तरफ से, जो कद्दूकस का ये हिस्सा होता है, यहाँ से मैं कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब मैं इसे अच्छे से धो के छन्नी में रख लेती हूँ। देखिए आलू मैंने धो के छन्नी में रख लिए हैं टोकरी में। और ये मसाला लिया है मैंने, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच मिर्च है, थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक जायके के मुताबिक लिया है मैंने। देखिए ये 100 ग्राम से कम है बेसन हमारा, आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से बना सकते हैं। ये बेसन डाल लिया मैंने इसमें और ये आलू भी डाल रही हूँ इसमें। और अब ये हरी मिर्च, अदरक, प्याज, हरा धनिया, थोड़ी सी पत्ती बचा लूंगी बाद में डालने के लिए। और अब ये मसाला जो पिसा हुआ है ये भी, और अब मैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कटोरी भर के मैं पानी ले रही हूँ। ये बेसन और आलू का भुरता बना रही हूँ मैं। भुरते तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन ये वाला भुरता नहीं खाया होगा। इतना अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो ये ट्राई करें, बिल्कुल न्यू डिश है ये एकदम और बहुत लजीज। देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने ये पतीली ली है और इसमें तेल लेती हूँ। इस भुरते में तेल की कंजूसी बिल्कुल मत करना क्योंकि ये तेल से ही स्वादिष्ट बनता है। एक चम्मच भर के ले लिया है मैंने तेल। तेल गरम हो गया है हमारा। देखिए ज़ीरा लिया है मैंने एक चम्मच और अब मैं ये डाल देती हूँ इसमें। देखिए ज़ीरा हमारा हो गया है और अब मैं गैस हल्का कर देती हूँ। और अब एक चम्मच ये लेकर मैं इसमें डालकर ढक दूंगी वरना तेल उड़ेगा। और अब डालती हूँ मैं सारा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है ये भुरता। अब मैं इसे तेज़ कर लेती हूँ गैस को। आप बनाकर खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा ये। अब मैं इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। देखिए मैंने इसमें ही डाल लिया पानी और इस पर से बेसन छुटा लिया है। इसे चलाते रहना पड़ता है वरना ये जल जाता है। ये बीच में कर दिया मैंने भुरता और अब गैस स्लो करके मैं इसे ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए ताकि हमारी ये चीज़ें गल जाएं। अब मैं खोल के देखती हूँ इसे। नीचे से लग जाता है ये, नॉन स्टिक बर्तन में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है ये। थोड़ा सा आलू इसका खाकर देख लें, गल गया है। वैसे तो गल गया है लेकिन 2 मिनट के लिए और ढक के पकाती हूँ मैं इसे। स्लो स्पीड है गैस की। फिर खोल के देखती हूँ मैं इसे।
देखिए एकदम भुना भुना हो गया है माशाल्लाह से। तेल डालने में कंजूसी ना करें वरना बाद में कहोगे अच्छा नहीं बना, क्योंकि इसमें तेल अच्छे से डलता है जब ही अच्छा बनता है। ये हमारा भुर्ता तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अली खाकर बताओ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह पढ़ो। मामा जी बहुत अच्छे। आप भी बनाकर ट्राई जरूर करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।